पालमपुर में सांसद शांता कुमार ने कहा कि भाजपा अपने आदर्शों के चलते जीती है। जहां सुखराम नहीं थे वहां भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। ये सुखराम का भ्रम है जो 23 मई को टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि सुखराम का बेटा मंत्रिमंडल से तो गया है, अब 20 की सीट से भी जाएगा और उनका पुत्र भी बुरी तरह हारेगा। शांता कुमार ने कहा कि 5 बार दल बदल कर उन्होंने मेरे हिमाचल को बदनाम कर दिया है, जिसकी जनता उनको सजा देगी। भाजपा अपने आदर्शों के चलते जीती। जहां सुखराम नहीं थे वहां भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। ये सुखराम का भ्रम है जो 23 मई को टूट जाएगा। ये बात सांसद शांता कुमार ने पालमपुर में कही। उन्होंने कहा कि सुखराम का बेटा मंत्रिमंडल से गया, विधानसभा की सीट से जाएगा और उनका पौत्र भी बुरी तरह हारेगा। शांता कुमार ने कहा कि 5 बार दल बदल कर उन्होंने मेरे हिमाचल को बदनाम कर दिया है, जनता उनको सजा देगी। शांता कुमार ने कहा कि देश की राजनीति का अवमूल्यन मेरे लिए चिंता का विषय है। चुनावों में मुख्य मुद्दों पर बहस नहीं हो रही, गौण मुद्दों पर बात की जा रही है। राजनीति में शालीनता पवित्रता समाप्त हो रही है। कुछ नेता इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांगड़ा चंबा धौलाधार में बहुत संभावनाएं हैं, सरकार ने पर्यटन नीति में बहुत कुछ परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि आलू उत्पादकों के लिए यहाँ विजन होता है, वहाँ इन्वेस्टर आता है। रोपवे को लेकर MOU हुए पर सिरे नहीं चढ़ सके, पूरे देश के उद्योगपति खुश हैं। जैसे ही परियोजना पूरी होगी तो साल तक कुछ नहीं होगा, पहले ऐसे विजन ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी। सीमेंट उद्योग में इसलिए नहीं आए क्योंकि सिकरीधार तक सड़कें नहीं है और अब सरकार ने बनानी शुरू कर दी है। भाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के मेरी पहली पीढ़ी के एक नेता श्री सुखराम जी बहुत बड़े भ्रम में हैं। उनका ये कहना कि हिमाचल की 43 सीटें भाजपा उनके कारण जीती, मंडी में वो थे लेकिन कांगड़ा में बाकी जगह तो कोई सुखराम नहीं था, ये उनका बहुत बड़ा भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी के अपने आदर्शों के सिद्धांतों के कारण जीती, ये उनका भ्रम है। और मैं समझता हूँ 23 तारीख को उनका भ्रम अपने आप समाप्त हो जाएगा जब उनका बेटा मंत्रिमंडल से चला गया, अब विधानसभा की सीट से भी जाएगा और उनका पोता बुरी तरह से हारेगा, क्योंकि 5 बार दल बदल करके उन्होंने सचमुच मेरे हिमाचल प्रदेश को बदनाम कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता उनको उसकी सजा देगी। मैं फिर दुख प्रकट करूंगा, इस प्रकार की भाषा जीवन के इस अंतिम मोड़ पर आकर के सुखराम जी कर रहे हैं। रौद्र रूप तो जनता दिखाएगी उनके दल बदल के बारे में जब उनके पूरे परिवार को इस प्रकार से राजनीति से एक तरफ कर देगी। देश की राजनीति में अवमूल्यन मेरे लिए बड़ी चिंता का विषय है। राजनीति में एक तो भारत के इस चुनाव के अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर पूरी बहस नहीं हो रही, नॉन इश्यूज पर कई जगह चुनाव लड़े जा रहे हैं, और राजनीति में जो शालीनता रहनी चाहिए, जो पवित्रता रहनी चाहिए, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कुछ नेता इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, उसमें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राजनीति में जो प्रौढ़ता परिपक्वता भारत की राजनीति में आनी चाहिए थी, मुझे दुख है उसके मुकाबले अवमूल्यन अधिक हो रहा है। तक हिमाचल प्रदेश में रोपवे की संभावना, मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। दुनिया में सबसे तेजी के साथ अगर कोई उद्योग बढ़ रहा है तो पर्यटन है, और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग भी पर्यटन है। हिमाचल में और कांगड़ा चंबा में धौलाधार में अपार संभावनाएं हैं, पहले भी हमने प्रयत्न किया हुआ नहीं, अब नई हिमाचल की सरकार आने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहली बात, हिमाचल की सरकार ने पर्यटन नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और पर्यटन नई नीति जो है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है। मेरी दिल्ली में कई उद्योगपतियों से बात हुई है, वो आना चाहते हैं। इस धौलाधार में कुछ रोपवे बनाने की योजना चल रही है और उस पर बहुत जल्दी काम हो रहा है।